मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के जैसे नगर में सीएम राइज विद्यालय के सभागार में प्रगतिशील पेंशनर एसोसिएशन की सम्भागीय बैठक प्रांतीय उपाध्यक्ष रामनिवास फयासी के मुख्य आतिथ्य एवं अपूर्व प्राचार्य नंदन प्रसाद प्रजापति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यक्रम की रूपरेखा एवं पेंशनरों के दायित्वों के संबंध में सनन पांडे द्वारा बताया गया है कि बैठक में 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेंशनरों का श्रीफल एवं शॉल से सम्मानित किया गया। वहीं सम्मानित पेंशन में सत्यनारायण तिवारी, रामदत्त पांडे, परशुराम द्विवेदी, रामजी सिंह, श्रीमती कुसुम नामदेव, शिवप्रसाद मिश्रा, श्रीमती शंकरियाबाई, राजेश परोहा, राम अवतार गुप्ता, रामधार जायसवाल, के एम चतुर्वेदी, पीसी गुप्ता, डॉक्टर तीर्थ प्रसाद, पंडित रामनिवास पयासी, नंदन कुमार प्रजापति, सनत कुमार पांडे। बैठक में तहसील इकाई का गठन किया गया जिसमें अध्यक्ष कमला प्रसाद मिश्रा, उपाध्यक्ष संतोष पयासी, आशादीन प्रजापति, सचिव रामनिवास शुक्ला, सह सचिव नरेंद्र द्विवेदी, कोषाध्यक्ष अयोध्या प्रसाद पांडे, संगठन मंत्री सुरेंद्र तिवारी, महिला प्रतिनिधि कुसुम नामदेव। वहीं इस बैठक को रामनिवास पयासी, नंदन प्रजापति, सत्यनारायण तिवारी, डॉक्टर तीर्थ प्रसाद, जिला इकाई अध्यक्ष पीसी गुप्ता, सीएम राइज के प्राचार्य राजीव तिवारी, सनत पांडे, कमला प्रसाद मिश्रा ने संबोधित किया। वही कार्यक्रम का संचालन सनत कुमार पांडे ने किया। बैठक में मुख्य रूप से रामपाल सिंह, तुलसीदास मिश्रा, दिनेश मिश्रा, बाबूलाल जायसवाल, ओम प्रकाश तिवारी, प्रयागदत्त मिश्रा आदि जन उपस्थित रहे। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की रिपोर्ट।